हे गाइस व्हाट्स अप। सो कैसे हैं आप सभी गाइस। वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे गाइस कि वीडियो आज किस टॉपिक पे होने वाली है। सो गाइस आप सभी को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं जितनी बैकग्राउंड पीएनजी का यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस आप सभी को जाना है ड्रो टूल में। ड्रो टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, आप सभी को अपने बैकग्राउंड को लेना है। ठीक है गाइस बैकग्राउंड को लेना है। गाइस मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है। एंड गाइस जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता आई बटन में लिंक है गाइस, जाकर वीडियो को देखो। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, जाओ वीडियो को देखो एंड गाइस बैकग्राउंड को इरेज करो। एंड गाइस इसको मैं ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। एंड गाइस इसको ऐसे साइड में कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा गाइस ऐसे उल्टा कर लेता हूँ। एंड गाइस इसको मैं लगाता हूँ ये एलिफेंट की सूंड के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को भी एडजस्ट करना है। एंड गाइज आपका आप जैसा पोज देना चाहते हो वैसा पोज दे सकते हैं। एंड गाइज मेरे को मैंने ऐसा दिया है। सो गाइज अब आप सभी को करना क्या है, ये गाइज इम्पेटेड लेयर बनानी है, ठीक है। इम्पेटेड लेयर बनाने के बाद गाइज आप सभी को ब्रश को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ब्रश का गाइज आप देख लीजिए कैसा रखना है, ठीक है। एंड गाइज उसके बाद आप सभी को ऐसे पेंट करना है थोड़ा गाइज, अपने हाथ के ऊपर थोड़ी सी शेडो बनानी है इस तरीके से, जैसे गाइज मैं बना रहा हूँ ऐसे। इस तरीके से आपको हल्का हल्का करना है, ठीक है। एंड मस्त लगनी चाहिए फोटो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया बनाएंगे। एंड गाइज ऐसे आप सभी को करना है। एंड गाइज उसके बाद आपको सभी को थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी को कम करना है गाइज, ठीक है। ओपेसिटी को इसकी कम कर लेते हैं। एंड गाइज इसको इम्पटी लेयर बनाते हैं। इम्पटी लेयर बनाने के बाद गाइज इसको हम रख लेते हैं नीचे, ठीक है। अपने मॉडल के नीचे रख लेते हैं। एंड गाइज मॉडल के नीचे रखने के बाद गाइज हमें दोबारा इसके दोबारा से शेडो बनानी है। एंड गाइज आप सभी को पता होगा शेडो हमें बहुत सारे इम्पटी लेयर में बनाते हैं। तो गाइज शेडो हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। जैसे इस तरीके से आप सभी को ऐसे पेंट करना है, ठीक है। सो गाइज एक और इम्पटी लेयर बना लेते हैं हम गाइज इस तरीके से, ठीक है। एंड गाइज इसको भी रखेंगे अपने मॉडल के नीचे। सो गाइज अब हम बनाएंगे अपने पैरों के नीचे शेडो। एंड गाइज इस तरीके से पेंट करना है हमें गाइज, ठीक है। सो लगना चाहिए कि यार शेडो है हमारी, ठीक है, तो यार नकली नहीं लगनी चाहिए ना। सो गाइज ये आप सभी को मैं एक बार ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ अपने अपने ऊपर की जो शेडो, उससे देखो गाइज कितनी अच्छी लग रही है हमारी फोटो। सो गाइज हम एक और इम्पटी लेयर बनाएंगे, ठीक है गाइज एक इम्पटी लेयर बना लेते हैं। एंड गाइज उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को फोटो लेयर में जाना है। एंड गाइज फोटो लेयर में जाने के बाद एक एक पीएनजी लेना, जिसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक सिंपली जाकर आप सब उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज अब जाते हैं हम गाइज इसमें, अब ले लेते हैं अपने पीएनजी को। एंड गाइज इसको कर लेते हैं डन। एंड गाइज इसका हम इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे स्क्रीन, ठीक है गाइज। सो गाइज इसको हम कर लेते हैं मर्च, मैं सॉरी गाइज इसको हम पहले मर्च कर लेते हैं। इसे ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ गाइज कैसा लग रहा है, देखिए गाइज, ठीक है गाइज। सो हमारी फोटो यहाँ तक एडिट हो चुकी है, पिक्स आर्ट का जो भी काम था हमारा इतना हो चुका है। सो गाइज इसको एक बार हम मर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, सॉरी सॉरी गाइज यहाँ से हम मर्च नहीं कर सकते इसे। तो गाइज हम शेडो को मर्च कर लेते हैं पूरा, जितने भी हमने शेडोज ये बना रखे हैं इनको, ठीक है इस तरीके से। एंड गाइज मर्च करने बाद गाइज करना क्या, फोटो कर लेंगे सेफ। एंड गाइज में जो भी कलर करेक्शन होगी वो हमारी होगी लाइट रूम के अंदर। सो गाइज चलिए लाइट रूम के अंदर चलते हैं। सो गाइज ये लाइट रूम को मैंने कर लिया ओपन। एंड गाइज ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को ऐड करनी है अपनी फोटो को इस तरीके से। एंड गाइज ऐड करने के बाद गाइज आप सभी को करना है ओपन, ठीक है। ऑल फोटोज में जाकर अपने फोटो को ओपन करना है। एंड गाइज इस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, नीचे आप सभी दिख रहा होगा। एंड गाइज एक्सपोजर को करना है गाइज आप सभी को थोड़ा सा, मतलब अपने हिसाब से बढ़ा लेना है। एंड गाइज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड हाईलाइट को भी माइनस करना है, ठीक है। एंड शेडो को भी माइनस करना है, ठीक है गाइज। एंड गाइज व्हाइट को भी हम माइनस में रखते हैं, ठीक है। एंड ब्लैक को भी माइनस में रखेंगे, ठीक है। एंड चलते हैं हम नीचे वाले आइकन पे। एंड गाइज मिक्स में जाएंगे। मिक्स में जाने के बाद गाइज रेड कलर को थोड़ा सा छेड़ते हैं, क्योंकि गाइज मेरी घड़ी थोड़ी रेड है, तो गाइज इसको छेड़ते हैं, ठीक है। एंड चलते हैं ऑरेंज वाले आइकन में। ऑरेंज वाले से अपने फेस को गोरा कर लेते हैं, ठीक है। मतलब फेस के स्किन मतलब कर लेते हैं अच्छी सी, ठीक है। सो गाइज अब लेते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर में लेने का गाइज हमारे आ रहे पीछे जो बैकग्राउंड हो ग्रीन कलर का कर लेते हैं, ठीक है इस तरीके से। गाइज अब लेते हैं ग्रीन कलर को। ग्रीन कलर को लेने गाइज के ह्यू को छेड़ेंगे हम, ठीक है। एंड सेचुरेशन को भी थोड़ा सा छेड़ ही लेते हैं, ठीक है ऐसे करना है। एंड गाइज आप सभी को करना है अब लेना है ब्लू कलर। ब्लू कलर में लेने के बाद गाइज आप सभी को ह्यू में ह्यू को माइनस में रखना है, ठीक है। एंड सेचुरेशन को प्लस कर लेते हैं। एंड गाइज ल्यूमिनस को भी माइनस में, ठीक है। एंड कर लेते हैं ऐसे डन। एंड गाइज इसके नीचे सेचुरेशन को बढ़ा लेते हैं, ठीक है प्लस में। एंड गाइज वाइब्रेशन को भी थोड़ा गाइज माइनस प्लस में ही रखते हैं, ठीक है। एंड गाइज अब चलते नीचे वाले आइकन पे। एंड गाइज क्लियरिटी करेंगे इंक्रीज, ठीक है। एंड विगनेट को करेंगे माइनस। एंड गाइज फेदर को करेंगे इंक्रीज, ठीक है। एंड चलते अब नीचे वाले आइकन पे। एंड गाइज शार्प करते हैं थोड़ी सी फोटो को हम, ठीक है। एंड नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। एंड गाइज आज हम कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ाएंगे थोड़ा सा,
ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा एंड गाइस चला दे कलर नॉइज रिडक्शन, जो भी हमारी कलर नॉइज होगी ना गाइस वो हट जाएगी। ठीक है, सो गाइस यहाँ तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। सो गाइस आप सभी देख रहे हैं एंड गाइस फोटो कर लेते हैं हम सेव। एंड भाई फोटो को सेव करने के बाद